देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। आजमगढ़ में हाल ही में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई थी और कुछ दिन पूर्व ही इसके प्रथम कुलपति का भी ऐलान हो गया था। इसी क्रम में प्रथम कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने आज आजमगढ़ डीएवी कॉलेज में बने कैंप कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। इससे पूर्व डीएवी कॉलेज पहुंचने पर उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शिक्षक व कर्मचारी संघ ने उनका स्वागत किया। आजमगढ़ के आजम बांध यशपालपुर में करीब 52 एकड़ में स्थापित होने वाले महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय स्थल को अभी भय देखकर आ रहे हैं। अभी सर्वे चल रहा है। कार्यदायी संस्था को यह सुनिश्चित बताने को कहा गया है कि कब कौन सा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। टाइमलाइन के अनुसार कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं कुलपति ने कहा कि नवसर्जित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को भी उच्च रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मऊ के सभी महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। इस संबंध में जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी बात की जाएगी कि किस प्रकार से सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो। क्या सब प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसे कब तक वहां का बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और कब तक सब शुरू हो जाएगा? अभी मैंने 1 जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जौनपुर विश्वविद्यालय के जो पार्ट है उससे मिलाकर के बना है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आजमगढ़ और मऊ डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसके सारे संबद्ध कॉलेज जो हैं इस विश्वविद्यालय में आएंगे। तो मैं यहाँ पर आने में समय भी मुझे इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का काम था और कुछ काम मुझे तत्काल कराने थे लखनऊ जा कर के भी, उच्च शिक्षा विभाग में और गवर्नर हाउस में, तो वो मेरी प्राथमिकता थी ताकि विश्वविद्यालय का काम तत्काल शुरू हो जाए। तो वो सब काम हम कर रहे हैं और जल्दी ही सारी चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। और ये नया विश्वविद्यालय है, क्षेत्र के लोगों ने, आप सब ने प्रयास करके इसको बनवाया है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस विश्वविद्यालय की वजह से आजमगढ़ क्षेत्र और भी जाना जाए, उसका नाम हो और ये हो कि भाई आजमगढ़ विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, तो उस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। शैक्षिक स्तर को सुधारा जाएगा, उसमें समाज का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जिले और मंडल के अधिकारियों का सहयोग भी उसमें अपेक्षित है। तो ये क्योंकि ये टीम वर्क होता है, तो इसमें हम समझते हैं कि सफल रहेंगे। इस विश्वविद्यालय का सत्र इसी जुलाई में शुरू हो जाएगा। जुलाई में हम अपने प्रवेश करेंगे आजमगढ़ और मऊ के, दोनों के संबद्ध कॉलेजों के प्रवेश यहीं से होंगे। कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ रहेंगी? यहाँ पर आपकी आर्ट फैकल्टी रहेगी, साइंस फैकल्टी रहेगी, कॉमर्स रहेगी, आपकी विधिक फैकल्टी रहेगी, लगभग सभी फैकल्टी का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि सभी फैकल्टी यहाँ पर हों और विश्वविद्यालय अपने में पूर्ण हो। वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में कोर्स स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और नई शिक्षा नीति में ये भी है कि शिक्षा आधुनिक होनी चाहिए, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति और यहाँ की ट्रेडिशंस, परंपराएं और इन सब का भी समावेश हो। तो सर जो अभी चल रहा है।